बीवी को ऐसे हालत में देख ना पाया और मैं चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख खान की तरह अपनी बीवी को कंधों में उठा के ऊपर चढ़ने का फैसला किया। आपने जानबूझ के मुझे ढकेला है ना वीडियो वायरल करने के लिए। चंडी खोल में ये आज हमारा दूसरा दिन था। बिना देरी के सुबह उठते ही हम पहुंच गए महाविनायक जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर के बंदर बहुत साथी रहे दोस्तों, दिन दहाड़े आपके हाथों से सामान लूट के भाग जाते हैं। पर इस बार इन बिचारों की किस्मत खराब थी जो हम गरीबों से पाला पड़ गया था। इन भिखारियों को किसने अंदर आने दिया बे? निराश होके बेचारा आज बस पानी पी के काम चला लेता है। कितने जुए हो गए यार। टेस्टी। ओह माय गॉड, सिटी दास। हे, आर यू किडिंग मी? महाविनायक जी का आशीर्वाद लेके हम तुरंत ही निकल पड़ते अपनी अगली मंजिल ललितगिरी की तरफ। तभी हमारी नजर चंडी खोल में कलिंग जाफरान रेस्टोरेंट में पड़ती है, जहाँ की बिरयानी की तारीफ बहुत सुनी थी। पेट भर बिरयानी घटक के हम वहाँ से बाहर निकल गए। दोस्तों, दोपहर में पेट भर खाने के बाद जो लोग नींद में सो जाते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लो, अब ये भी गई। दोनों मिलके देश का नाम ऋतिक रोशन करने वाले हैं। ये लो, इंसानों को देख आजकल गाड़ियां भी सड़क किनारे टॉयलेट करने लगे। लटक गया बेचारा। दोस्तों, आज हम आके पहुंच गए हैं फेमस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स जाजपुर के ललितगिरी में। जैसे ही हम अंदर एंटर किए, बोर्ड में लिखा था तंबाकू नॉट अलाउड। ए सुन इधर आ, निकल सारे तंबाकू निकल। बड़ी ही एनर्जी के साथ मैं अंदर घुस जाता हूँ। 2 मिनट्स लेटर, हालत खराब हो गई यार। ऊपर पहुँचने तक जिंदा रहूंगा कि नहीं पता नहीं, पर आप इस वीडियो का लाइक बटन दबा देना यार। वाओ, क्या नजारा है यार। ये जो आकृतियाँ आप यहाँ देख रहे हो, ये 2री शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच बने हुए हैं। इन टूटी फूटी मूर्तियों में आपको भगवान बुद्ध के अस्तित्व की सारी निशानियां मिल जाएंगी। ये जो यहाँ क्या लिखा है पढ़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। लिखा है सिद्धिदास को फॉलो करना। दोस्तों देखिए, आपको सामने बुद्धा नजर आ रहे होंगे। अरे वो नहीं, ये मेरा साला कहीं पे भी घुस जाता है यार। इधर गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो रहा था, कुछ ऐसा ही हाल मेरी बीवी की भी हो रही थी। बीवी को ऐसे हालत में देख ना पाया और मैं चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख खान की तरह अपनी बीवी को कंधों में उठा के ऊपर चढ़ने का फैसला किया। आपने जानबूझ के मुझे ढकेला है ना वीडियो वायरल करने के लिए। बीवी को कंधे पे उठाते ही मुझे शाहरुख खान बनने का पछतावा होने लगा। मैं भूल गया था कि शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोणे को उठाया था। बेचारी बीवी मेरी नाले में गिर जाती है और पास में कहीं क्रेन भी नहीं है बीवी को खींचने के लिए। फिर मेरे मन में एक आइडिया आता है। अरे डार्लिंग, इस दुपट्टे को आपके गले में बांध के खींच लूं क्या? ये सुनते ही बीवी अपने आप ऊपर आ जाती है। इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। अरे ये हमारी छोटी साली क्या कर रही है उधर? Oh no! लगता है पगला गई। जीजू देखो मैं कितना ऊपर आ गया। अबे साले एक काम कर, उधर से नीचे कूद जा, कुछ नहीं होगा। क्या बोले जीजू? अबे कूद बहरे कूद, उधर से कुछ नहीं होगा। इधर प्यास के मारे हमारी हालत सूख रही थी। तभी भगवान के रूप में काका प्रकट होते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, ठंडा ठंडा पानी। फिर हम सब उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। हे भगवान, इतना ऊपर जाना है अभी? मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं पीना कोई पानी। अरे आ जाओ यार, बस और थोड़ा दूर है, हमको नहीं आना। अबे लगता है शेर है कहीं आसपास। अरे काका, ये आप हमको कहाँ लेके आ गए पानी पिलाने के चक्कर में? What is this काका? ऐसे थोड़ी पानी दे दूंगा, इसको सर पे रखो और पहाड़ के नीचे मेरे घर में पहुंचा के आओ, फिर पानी देता हूँ। मेरे को नहीं पीना कोई पानी, मैं चला नीचे रे बाबा। नीचे पानी का फिल्टर तो मिल जाता है, पर उसमें लिखा था पानी बचाओ। अरे मतलब पानी पीना है कि नहीं पीना, ये तो बताओ। गाइस बहुत हो गया आज के लिए, चलिए अब घर लौटते हैं। इन सब की हालत देख सकते हो गाइस, जान जाते जाते बची है हमारी। ये देखो, एक नंबर की ओवर एक्टिंग की दुकान। दोस्तों, आपको इस शानदार लस्सी की कसम अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो। दोस्तों, ऐसा टॉयलेट कभी इससे पहले देखे थे? कमाल है यार।